मौजूद हूँ दक्षिणी दिल्ली के डेरा गांव जोगा मोहल्ला में, जहाँ हम यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से इतनी गर्मी रही है, साथ में जो पानी की जो समस्या है वो भी बढ़ रही है, पानी की जरूरत भी बढ़ती नजर आती है, ऐसे में ये सारे तमाम लोग जो है पानी की समस्या को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्हें पानी को लेकर ये क्या कहना। हाँ जी, अपना नाम बताइए। मधु। कहाँ रहते हैं आप? जोगा मोहल्ला। पानी की इतनी जो समस्या है, खाली बर्तन यहाँ पर पड़े हुए हैं पानी की आस में, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये तो बहुत परेशानी है, आज से नहीं, आज मैं कम से कम 12-13 साल से लोग मटके ढोते हैं और एक दूसरे के पड़ोसियों से झगड़ा करते हैं, पानी मांगते हैं, कोई कभी टैंकर मंगाता है, 800-900 के टैंकर आते हैं, उनमें भी पूर्ति नहीं होती है। घरों में सबके घर में कम से कम 15-15 व्यक्ति हैं, घर में 20-20 आदमी हैं, हमारे घर में तो बिल्कुल ही कम से कम 20 आदमी है और हम बहुत परेशान हैं। और क्या कहते हैं कि हमारे घर में पानी की वजह से, किल्लत की वजह से कितनी बार तो लड़ाई भी हो गई है, और सबसे कहते हैं हम लोग, सब कहते हैं आ जाएगा पानी, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, मगर आता कभी नहीं है। हमारे सारे मोहल्ले को मजबूरी चू है, हम जब नेतान की वोट देते हैं, जब तो नेता हमारे पान में लौटते हैं, फिर नेता अपने घर बनाते हैं, अपने घर बैठ जाते हैं, फिर हम कुछ नहीं लगते उनके, कुछ भी ना चाची ना ताई ना कुछ भी। जब जब हम चाह हमारा उस ससुरा लगता तो हमारे पान में भी लौटने को बगत हो अपने मतलब के लिए। तो जब पानी के लिए शिकायत करने जाते तो क्या जवाब देते हैं? नहीं देता, जो कहते थारे मोहल्ले में ट्यूबवेल नहीं लगेगी। पानी के लिए तो ये कहेंगे भी पानी हमें मिलना चाहिए, पानी हमें ना मिल रहा 9 साल से। और क्या कहूँ, आगे को वोट वोटन को कह रहे तो वोट हमने जो उसको दिए झाड़ू। किसको वोट डाला था यहाँ से आपने? जी हमने झाड़ू। तो वो तो कहते हैं हम तो घर घर पानी पहुँचा रहे हैं। तो पानी नहीं है, पानी नहीं है। कितना समय हो गया होगा? लगभग बहुत समय हो गया, काफी समय से। पानी की जितनी समस्या है उसको लेकर आगे की क्या योजना बना रहे हैं? भाई एक बार हम कहेंगे, अगर नहीं मानेंगे, हम हाथ जोड़ के उनसे विनती कर रहे हैं, आज अगर वो हमारी नहीं सुनेंगे तो हम ऑफिस में जाके उनके धरना प्रदर्शन करेंगे। पानी की समस्या को लेकर कितनी समस्या हो रही है? पानी की समस्या तो बहुत है, गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा समस्या है। जो भी औरतें खड़ी है वो दिखाओ पानी के लिए खड़ी है। VIP लोगों को टैंकर आ रहा है यहाँ पे, इनके लिए कुछ सुनवाई नहीं है। पर जल बोर्ड पे जाते हैं, टैंकर एंट्री करवाते हैं, कोई टैंकर नहीं आता, दो दो बार तीन तीन बार जाते जब भी नहीं आता। VIP लोगों को फोन पे घर पे आते टैंकर। केजरीवाल तो कहते हैं हम घर घर पानी पहुँचा रहे हैं। ये केजरीवाल सबको वोट दिए, अपना हिसाब किताब करके सब पार जाते हैं, जब टाइम पे तो घर घर आके मीटिंग करते हैं, हमको वोट देना, हमको वो देना, हमको वो देना, काम खत्म हो गया उनका, कोई किसी की कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे किसी की। ये देखो बर्तन कैसे पड़े खाली, देखो देखाओ, देखो देखो खाली पड़े, बीरवाणी कड़ी पौनी बनने का कोई कुछ नहीं, काई सुनवाई ना ले। तब नेता अपने पॉप करा पार जाओ। तो कौन है यहाँ से आपके विधायक? हमारा करतार सिंह। तो क्या बोलते हैं वो ट्यूबवेल के नाम पर? बोल तो जाते हैं लेकिन करवाते नहीं है कुछ भी। अच्छा, तो काफी समय से ऐसी मतलब समस्या बनी हुई है। 9-10 साल हो गई है, 9-10 साल से हमें ये टाइम आ गया है, आज तक कोई ट्यूबवेल नहीं, कोई टैंकर नहीं, कोई कुछ भी नहीं, आज तक हम ऐसे गुजारा। टैंकर कब तक ढोएंगे भैया? टैंकर न कब तक ढोएंगे? हाथ दुखते पैर दुखते बीमार रहते हैं, कोई ट्यूबवेल को सिस्टम करवाओ, नेता जी से बोलो, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं।